चार मीनार के पास में एक झगड़ा हुआ था, इसमें मोहम्मद मजीद और नहीद जो टॉवल बेचते और बैग बेचते और उसके ख़िलाफ़ है वो चार लोग, इसमें मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अलियास चौश वो हैंड बैग बेचता है वहीं पे, दोनों के बीच में वहाँ फुटपाथ पे स्पेस के लिए झगड़ा हुआ और अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अलियास चौश जो है वो अपनी फ्रेंड्स को बुलाए, इसमें सादिक बिन महमूद, मोहम्मद शफीउद्दीन और एक मोहम्मद नसीरुद्दीन अलियास गाना नसीर, ये तीनों को बुलाए और ये लोग आए रॉड लेके इसको जो मोहम्मद मजीद को मारे उसका पैर में फ्रैक्चर हुआ। ये चार मीनार का इलाका जो है बहुत प्रोमिनेंट प्लेस पे पूरा हैदराबाद में, बहुत टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे और पूरा मीडिया का फोकस रहता है वहाँ पे। इस जगह में ऐसा इंसिडेंट होना जो सब लोग देख रहे और जो पीक टाइम पे जब टूरिस्ट आते उस टाइम पे हुआ, तो इसलिए वो थोड़ा सेंसेशनल हुआ। उसी दिन ये तीन लोगों को अरेस्ट कर दिए, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अलियास चौश, सदीक बिन महमूद और मोहम्मद शफीउद्दीन, और अभी कल मोहम्मद नसीरुद्दीन अलियास गन्ना नसीर को अरेस्ट किया गया। नसीरुद्दीन अलियास गन्ना नसीर वो भवानी नगर का रहने वाला है और उस पर पहले एक राउडी शीट था, उसका एज ज़्यादा हो गया, वो उस पर पिटीशन कर गया तो एक दो साल पहले उसका शीट क्लोज कर दिया। अभी फिर उस पर रीओपन कर रहे हैं राउडी शीट और उस पर नज़र रखेगी और हैदराबाद पुलिस की तरफ से ये मौक़िफ़ है हमारी कि यहाँ कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले, रॉडी एक्टिविटीज़ करने वाले किसी टाइम पे किसी तरह से हम नहीं छोड़ेंगे, एज़ पर लॉ बहुत सख्त एक्शन लेंगे उन पर। और कोई भी वहाँ पे गुंडागिरी करेगा और कुछ मामूल जैसा कलेक्ट करना है तो जब भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो इमीडिएटली हमारे नोटिस में लाए, किसी पे ये इंजाम लगा तो पूरा इंक्वायरी करके अगर कुछ सच निकला तो उस पर एक्शन लेंगे। सर 54 बॉडीज का स्टार्ट है लेकिन प्रेजेंट में वहाँ पे 1000 के ऊपर 200 बॉडीज का है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम, टूरिस्ट को प्रॉब्लम, वो क्यों रिमूव नहीं कर रहे हैं सर? इस पर आप जो बताए इसके लिए हम GHMC ट्रैफिक और लैंड ऑर्डर तीनों मिल के इस पर एक्शन लेना है। हम एक बार सब अथॉरिटीज़ को मिल के हम इस पर एक रिव्यू करेंगे। सर इससे पहले भी यही बात आई थी कि हम एक्शन लेंगे बोल रहे हैं लेकिन ये तीसरा अटेम्प्ट हुआ है वहाँ पे। कल तो एक्शन लिया ना, कल ऐसा हो गया कि कोई आदमी की जान गहबाजी बोलते तो पुलिस एक्शन नहीं, ऐसा बात नहीं। ये जो कोविड के टाइम पे बहुत डिस्टर्ब हो गया पूरा सब लोग का, पूरा 6 महीने एटलीस्ट 4-5 महीने तक पूरा डिस्टर्ब हो गया, किसी शॉप का किसी बिजनेस नहीं चला। और जब वापस बिजनेस आए तो हम थोड़ा रिलैक्स किए उतना, क्योंकि वो बहुत बिजनेस में लॉस हुए। लेकिन जब ज़्यादा अभी हो गया और थोड़ा एक वायलेंस का इंसिडेंट भी हुआ तो हम बहुत केस लगाए, पूरा क्लियर कर दिए और ऐसा कोई है तो इमिडिएटली हमारे नज़र में लाए, हम एक्शन लेंगे। हम तो जरूर लेंगे, जरूर नज़र में आ गया अभी जो इंसिडेंट हुआ। जो अभी कुछ भी है तो डायरेक्टली मुझे आप बोल सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम जरूर एक्शन लेंगे। उसके बावजूद भी बोलते सो वहाँ पे इस तरीके से नहीं, कल से पूरा एक्शन लिया, कल रात से देखेंगे, आज कल रात भी बहुत पूरा क्लियर कर दिया वहाँ पे, पूरा जाने का आने का पूरा रास्ता तो अभी क्लियर कर दिए। जो अनऑथराइज है उस पर केस भी लगाए, कल भी लगाए, कल तो पेटी केसेस 60 के आसपास केस लगाए, कल एक्शन तो ले रहे हैं अभी। कहीं भी अगर कम्युनल इश्यू हो जाए तो हो सकता है, ऐसा बात नहीं, चार मीनार में भी होना,
ये देखेंगे हैदराबाद में कहीं भी देखे, स्पेशली बिजनेस सेंटर्स में दोनों कम्युनिटी का रहेंगे, दोनों कोई भी अनेक कम्युनिटी का है, सब लोग मिल, उसमें कम्युनिटी का डिफरेंस नहीं है। बिजनेस, जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, अगर वो लीगली कर रहे एज पर रूल्स ऑफ GHMC, एज पर हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट, उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को आपके मामूल को डिमांड किया, किसी को आपको धमकी दे रहे, आपको गुंडागर्दी कर रहे, तो इमीडिएटली हमें कंप्लेन कीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। GHMC का वो परमिशन है, उनको रखने का हक है।